हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। क्लाइमेट चेंज और आई मस्ट से एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एक सीरियस थ्रेट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। जो क्लाइमेट चेंज है या आप क्लाइमेट क्राइसिस कह लो, इज आल्सो पोजिंग ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर। तो इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, अभी लास्ट मंथ में ही सितंबर 2021 में ही डेडिकेटेड 35 क्रॉप वैराइटीज टू द नेशन। और ये जो 35 क्रॉप वैराइटीज हैं, दे आर क्लाइमेट रिजिलियंट एंड न्यूट्रिएंट रिच वैराइटीज। तो ये जो लेक्चर है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट ICAR एग्जाम्स, चाहे वो ICAR JRF है, SRF है, नेट का एग्जाम है, या UPSC का एग्जाम है, या ASRB AOI है, दूसरे एग्जाम्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो दीज 35 क्रॉप वैराइटीज जो हैं, नेचुरली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अभी रिसेंटली जैसे कि मैं कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज जो एक सीरियस थ्रेट है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी लास्ट मंथ में सितंबर 2021 में ही इन्हें वर्चुअल मोड में, इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने 35 क्रॉप वैराइटीज जो हैं वो रिलीज की हैं, मतलब लॉन्च की हैं। और ये जो 35 क्रॉप वैराइटीज हैं, ये जो लॉन्च की हैं 35 क्रॉप वैराइटीज, दे विल एड्रेस द ट्विन चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड माल न्यूट्रिशन। हमें पता है अगर हम बात करें तो कंट्री लाइक इंडिया, तो क्लाइमेट चेंज और माल न्यूट्रिशन जो है वो एक सीरियस थ्रेट है हमारे देश के लिए। क्लाइमेट चेंज ऑफकोर्स, ये जो वो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है, मीन्स ह्यूमन मेड क्लाइमेट चेंज है, जो कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए यही एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो वो है माल न्यूट्रिशन की, तो इन्हीं प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो 35 क्रॉप वैराइटीज हैं, ही हैज डेडिकेटेड दीज 35 क्रॉप वैराइटीज टू द नेशन। और ये जो 35 क्रॉप वैराइटीज हैं, ये डेवलप की गई हैं एक सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मीन्स ICAR की जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ICAR के अंडर, तो उन्होंने ये जो 35 क्रॉप वैराइटीज हैं वो डेवलप की हैं। तो हम वन बाय वन इन सभी क्रॉप वैराइटीज की लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो वैराइटी है वो है क्विनोआ। क्विनोआ जो है एक सूडो सीरियल है, ठीक है, एक सूडो सीरियल है और बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिएंट रिच सूडो सीरियल है, जो कि बिलोंग करता है एमरेंथिसी फैमिली को। तो इसकी वैराइटी जो है वो रिलीज की गई है हिम शक्ति। ये जो हिम शक्ति वैराइटी है, दिस इज प्रोटीन रिच है, जिसमें कि 15.6% प्रोटीन होता है एंड ऑयल कंटेंट भी इसमें काफी ज्यादा होता है, डेट इज 8.91%। नाउ नेक्स्ट इज योर बकव्हीट। बकव्हीट भी एक सूडो सीरियल है जो कि पॉलीगोनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। बकव्हीट जो है वो भीट से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ओके। तो बकव्हीट हैज नॉट एनी क्लोज रिलेशनशिप विद भीट। तो बकव्हीट भी एक सूडो सीरियल है जो कि पॉलीगोनेसी फैमिली को बिलोंग करती है, और इसकी जो वैरायटी है वो है हिम फाफरा। तो ये जो वैरायटी है ये भी न्यूट्रिएंट रिच है, ठीक है, यानी कि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, लगभग 13%, एंड आयरन कंटेंट भी इसमें काफी ज्यादा है, 6.6 mg/100 ग्राम है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये वैराइटीज जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हैं, टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट भी हैं। तो कुछ क्रॉप्स की वैराइटीज जो है वो क्लाइमेट रिजिलिएंट भी हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वैराइटीज ऑफ बिंग बीन। बिंग बीन जो है वो एक लेग्यूम वेजिटेबल है। बिंगड बीन को जो है वो गॉड सेंट वेजिटेबल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ओनली वेजिटेबल है जिसमें कि सभी पार्ट्स जो है इसके खाए जाते हैं, रूट से लेकर लीव्स फ्रूट्स तक इस वेजिटेबल के सभी पार्ट्स जो है वो खाए जाते हैं, दे आर एडिबल। तो बिंग बीन जो है एक लेग्यूम वेजिटेबल है, और इसकी कौन सी वैरायटी है, PVW11-2, जिसमें की हाई पोडीड होती है और हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। नेक्स्ट इज फेवा बीन। फेवा बीन जो कि बोटैनिकली होती है बीसिया फेवा, ये भी एक लेग्यूम वेजिटेबल है, और इससे एक एलर्जिक प्रॉब्लम भी होती है फेवा बीन से, जिसको कहते हैं फेविज्म, ओके। तो वो भी फेवा बीन से होता है, फेविज्म जो होता है। तो इसकी जो वैरायटी है डेट इज योर HFB2, विच इज आल्सो हैविंग द हाई सीड यील्ड एंड हाई प्रोटीन कंटेंट, कितना 24.13% प्रोटीन कंटेंट होता है। नेक्स्ट इज सोयाबीन। सोयाबीन जो आपको पता है एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप है, और
प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, ऑयल सीड क्रॉप भी है हमारी ये, ठीक है। सोयाबीन से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे सोया पनीर है, टोफू है, सोया मिल्क है। तो इसकी वैरायटी जो है, एक तो है NRC 138, जो ये NRC 138 है ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, एंड ये जो वैरायटी है इट इज आल्सो सूटेबल फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए। देन नेक्स्ट इज करुणे, ये भी सोयाबीन की वैरायटी है। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ सोयाबीन विच इज हैविंग द ग्रीन पॉड सूटेबल फॉर कंजप्शन। ये फर्स्ट वैरायटी है सोयाबीन की जिसमें की जो ग्रीन पॉड होते हैं वो भी एडिबल होते हैं, अदरवाइज हम इसके मेनली सीड्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ सोयाबीन विच इज हैविंग द ग्रीन पॉड एडिबल। नेक्स्ट इज NRC 142, दिस इज द फर्स्ट डबल नल वैरायटी। डबल नल मतलब ये जो वैरायटी है NRC 142 जो सोयाबीन की जो वैरायटी है, आपको पता जो लेग्यूम वेजिटेबल होती है उनमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, तो ये जो वैरायटी है इट इज फ्री फ्रॉम द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जैसे कि KTI यानी कि कुनिट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड लिपोऑक्सीजिनेज 2। तो ये दोनों एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो होते हैं वो इस वैरायटी में एब्सेंट होते हैं। दिस इज अ डबल नल वैरायटी, फर्स्ट डबल नल वैरायटी ऑफ सोयाबीन। नाउ नेक्स्ट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड जो हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, एंड मस्टर्ड बिलोंग टू द फैमिली ब्रासिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और इसकी एक दो वैरायटीज जो इसकी रिलीज की गई है, एक तो है Pusa 00 Mustard 33। Pusa 00 Mustard 33 जो है इसकी हाई यील्ड है, एक तो मतलब 26 क्विंटल पर हेक्टेयर तक इसकी यील्ड हो सकती है, और ये जो वैरायटी है Pusa 00 Mustard 33 दिस इज कैनोला क्वालिटी वैरायटी है, मींस जिसमें कि एरुसिक एसिड जो होता है वो लेस देन 2% एरुसिक एसिड होता है, और ग्लूकोसिनोलेट्स का कंटेंट भी लेस देन 30 ppm होता है। नेक्स्ट इज RCH 1। RCH 1 जो है वो एक हाई यील्डिंग हाइब्रिड है मस्टर्ड का, एंड दिस इज ऑल्सो एक कैनोला टाइप हाइब्रिड है जिसमें कि एरुसिक एसिड कंटेंट जो होता है लेस देन 2% और ग्लूकोसिनोलेट भी लेस देन 30 ppm होता है। नाउ द नेक्स्ट वैरायटी इज PGNP। PGNP जो है इसकी दो वैरायटीज हैं, जैसे एक तो है IPH 15-3 जो कि एक अर्ली मेच्योरिंग होती है, मीन्स 150 डेज से पहले ये मेच्योर हो जाती है, अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है दिस इज आल्सो रेजिस्टेंट टू विल्ट डिजीज एंड स्टरलिटी एंड मोजैक डिजीज। दूसरी है IPH 09-5, ये भी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है, एंड दिस इज आल्सो द रेजिस्टेंट टू विल्ट एंड स्टरलिटी एंड मोजैक डिजीज। तीनों दोनों वैरायटीज की सेम फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्रॉप इज अवर चिकपी। चिकपी आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल क्रॉप है, और इसकी एक वैरायटी है Pusa Chickpea 4005। तो ये जो Pusa Chickpea 4005 है ये रिलीज की गई है IARI न्यू दिल्ली से। ये जो वैरायटी है ड्राउट टॉलरेंट है, ठीक है, ये जो चिकपी की वैरायटी है ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है जो कि डेवलप की गई है थ्रू द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज समृद्धि, ये भी चिकपी की वैरायटी है। ये जो वैरायटी है फ्यूजरी बिल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है 22.9%, और ये वैरायटी भी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की गई है। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट आपको पता है मिलेट जो है वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्री सीरियल कहते हैं इनको, जो मिलेट्स होते हैं इनको न्यूट्री सीरियल कहते हैं, जितने भी मिलेट्स हैं चाहे वो फॉक्सटेल मिलेट हो, ठीक है, पर्ल मिलेट है, तो ये जो मिलेट है इनको न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है। और इसी कंटेक्स्ट में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है। तो पर्ल मिलेट की जो वैरायटी रिलीज की गई है, एक तो है PV 1877, ये जो है वो समर पर्ल मिलेट की वैरायटी है जो कि रिच है आयरन कंटेंट में, जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है 42 ppm और जिंक कंटेंट है 32 ppm। तो दिस इज आयरन एंड जिंक रिच वैरायटी ऑफ पर्ल मिलेट। नेक्स्ट इज HHB 67 Improved 2। ये जो है पर्ल मिलेट का हाइब्रिड है, ये भी जिंक और आयरन रिच है, जिसमें कि आयरन 42 ppm है और जिंक जो है वो 32 ppm है। और इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है, ये जो हाइब्रिड है, ये दिस इज आल्सो रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज सोरगम। सोरगम जो है इसकी जो वैरायटीज है, तीन वैरायटीज जो इसकी डेवलप की गई है अभी जो है, तो एक तो है जायकार रसीला CSB 49SS। तो ये जो है स्वीट सोरगम की वैरायटी है विच इज सूटेबल फॉर बंजी बायोफ्यूल एंड साइलेज मेकिंग के लिए।
मतलब बायोफ्यूल मेकिंग और साइलेज मेकिंग के लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटी है ये जो है। दूसरी है CSH-47 एंड एक और है जाइकार ऊर्जा CSV-48। तो ये वैरायटी जो है वो बायोमास सुटेबल वैरायटीज हैं, मतलब हाई बायोमास प्रोडक्शन के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि फॉरेज सोरगम की वैरायटीज हैं, फॉरेज पर्पज के लिए सुटेबल है ये वैरायटीज जो है एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर द 2G बायोफ्यूल एंड साइलेज मेकिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज राइस। राइस जो हमें पता है एक स्टेपल सीरियल क्रॉप है वर्ल्ड वाइड, तो इसकी भी वैरायटीज रिलीज की गई हैं स्पेशली फ्रॉम द IRI न्यू दिल्ली से। तो एक तो है पूसा बासमती 1979, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एवर हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ राइस एंड ये जो वैरायटी है इट हैज बीन डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1121 एंड दिस वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग आल्सो, ठीक है, इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1121। मतलब ये जो पूसा बासमती 1121 वैरायटी है इसमें ही इंप्रूवमेंट की गई है, जो ALS जीन जो उसको म्यूटेट किया गया था तो उसके द्वारा फिर ये पूसा बासमती 1979 वैरायटी जो वो रिलीज की गई जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। नेक्स्ट इज पूसा बासमती 1985, इसकी भी सेम फीचर्स हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट है बट ये जो है इट हैज बीन डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1509, ठीक है, पूसा बासमती 1979 जो है वो इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1121 और जो पूसा बासमती 1985 है दैट इज इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1509 1509। नेक्स्ट इज पूसा बासमती 1886, ये जो वैरायटी है दिस इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट जो कि दोनों ही बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है राइस की, तो ये दोनों डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 6। नाउ द नेक्स्ट इज पूसा बासमती 1847, ये भी बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट है, इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1509। देन पूसा बासमती 1885, ये भी बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट है बट इन द बैकग्राउंड ऑफ पूसा बासमती 1121। उसके बाद है DRR धान 58, ये जो वैरायटी है रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट और इसमें तीन जीन है XA221, XA13 एंड XA5 एंड ये जो वैरायटी है सीडलिंग स्टेज में सैलिनिटी के लिए भी टॉलरेंट होती है एंड ये जो वैरायटी है इट हैज बीन डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ सांबा मसूरी, ठीक है, जो कि सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी है बैक्टीरियल ब्लाइट एंड के लिए रेजिस्टेंट है, दूसरी बात यह कि ये सैलिनिटी के लिए भी टॉलरेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज DRR धान 59, ये भी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है एंड इन द बैकग्राउंड ऑफ अक्षय धान। नेक्स्ट इज DRR धान 60, दिस इज आल्सो रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट एंड आल्सो सुटेबल फॉर द लो सॉइल फॉस्फोरस टॉलरेंट, मतलब जिन सॉइल में फॉस्फोरस कम होगा तो उन सॉइल में भी ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, मतलब दिस इज आल्सो टॉलरेंट टू लो सॉइल फॉस्फोरस एंड ये जो वैरायटी इट हैज आल्सो बीन डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ सांबा मसूरी। नाउ नेक्स्ट इज मेज में भी तीन वैरायटीज रिलीज की गई हैं। फर्स्ट तो है पूसा बायो 45 मेज हाइब्रिड बन, तो ये जो है प्रोविटामिन ए रिच वैरायटी है मेज का, जिसमें कि 6.6 माइक्रोग्राम पर ग्राम जो होता है वो प्रोविटामिन ए होता है, लाइसिन जो होता है वो 3.3% होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है 0.72% होता है। तो ये जो वैरायटी है रिच इन प्रोविटामिन ए एंड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन रिच होती है और ये जो वैरायटी है इट इज सुटेबल फॉर नदरन हिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए। नेक्स्ट इज पूसा HM4, ये जो है फर्स्ट मेल स्ट्राइल बेबी कॉर्न हाइब्रिड है, पूसा HM4 दिस इज द फर्स्ट मेल स्ट्राइल बेबी कॉर्न हाइब्रिड है एंड इट कैन सेव अप टू RS, मतलब हम कह सकते हैं 8000 से 10000 से रुपए जो है पर हेक्टेयर जो है वो हम सेव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैरायटीज। नेक्स्ट इज पूसा HQPM1 इम्प्रूव्ड, तो ये जो वैरायटी है दिस इज ऑल्सो रिच इन ट्रिप्टोफैन प्रोविटामिन ए एंड लाइसिन, तो इसमें होता है 7.02 माइक्रोग्राम पर ग्राम वो प्रोविटामिन ए होता है, लाइसिन 4.5% है एंड ट्रिप्टोफैन इज 0.8% एंड ये जो वैरायटी है ये जो हाइब्रिड है दिस इज सुटेबल फॉर ऑल द जोन्स। नाउ द नेक्स्ट इज भीट जो एक अनदर इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है राइस के बाद, तो भीट की भी वैरायटी जो है एक तो है DBW332, ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है भीट की, जिसकी यील्ड जो होती है लगभग 78.3 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड होती है एंड ये जो वैरायटी है दिस इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें 12.2% एंड जिंक 40.6 ppm, तो जिंक एंड प्रोटीन रिच वैरायटी है एंड हाई यील्डिंग है। DBW327 ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है
एंड दिस इज रिच इन जिंक कंटेंट, जिसमें कि जिंक कंटेंट होता है 44 ppm होता है। एंड नेक्स्ट इज HI-1636, ये भी हाई यील्डिंग बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है बीट की। बायोफोर्टिफाइड किसके साथ? जिंक, जिसमें कि जिंक कंटेंट होता है 44.4 ppm एंड इसमें एक्सीलेंट चपाती क्वालिटी होती है। दूसरी है HUW-838, दिस इज आल्सो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बीट एंड रिच इन जिंक कंटेंट, जिसमें होता है 41.8 ppm ऑफ जिंक होता है इसके ग्रेन्स में। नेक्स्ट इज MPJW-1358, दिस इज आल्सो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बीट बट दिस इज रिच इन प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट, जिसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 12.1% एंड आयरन कंटेंट इज 40.6 ppm। नेक्स्ट इज HI-8823, ये भी हाई यील्डिंग ड्यूरम बीट की वैरायटी है, जो कि रिच होती है जिंक कंटेंट में 40.1 ppm एंड प्रोटीन कंटेंट 12.1% प्रोटीन होता है एंड दिस वैरायटी इज सुटेबल फॉर गुड पास्ता मेकिंग। ठीक है, पास्ता में एक क्वालिटी वैरायटी है ये जो है बीट की। नाउ द नेक्स्ट इज, सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द वैरायटीज दे आर ड्राउट टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंट एंड न्यूट्रिएंट रिच। तो दिस वैरायटीज आर सुटेबल फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैरायटीज। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 35 क्रॉप वैरायटीज एंड यू शुड रिमेंबर दिस वैरायटीज बिकॉज डेफिनेटली यू विल गेट सम क्वेश्चंस इन द कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम दिस वैरायटीज एज दे हैव बीन डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल एंड दे वर डेडिकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। So with this I will say thank you and if you want the complete list of these varieties PDF file, अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, सिंशियर ब्रेनरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। एंड स्टे ट्यून विद द सिंशियर ब्रेनरी एंड विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच।